एक शेर पढ़ने का मन है। रिंकी जी, आपने तोड़ी में एक कलाप लगाई थी, मैं सुरंजनी में गाना दे रहा हूं। दुनिया ने बेबसी से भाई 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 पैसा न दे लेकिन सुन लो, पैसा न दे लेकिन सुन लो, सुनना। दुनिया ने बेबसी से जीने नहीं दिया, अगर मौत भी मांगी तो किसी ने नहीं दिया, और सो के अधर दिखाकर ऐसा गल से कहूंगा, नदियों ने एक बूंद भी पीने नहीं दिया, जो तूने प्यार की प्यार की जीने बजाई, मैं तोड़ी चली आई, ए मैं भागी चली आई हो, ए तू न दिल से जो, ए तू न दिल से जो मुझको बुलाया, यही कलाकारी है गाने बजाने की। अरे तूने दिल से जो, अरे तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं भागा चला आया, और मैं दौड़ा चला आया हो, ये हमारे राजा पेंटर साहब थाने के पीछे आपकी तरफ से ये 21 पत्र मुद्राएं हैं। देखिए हमारी बेटियां हमारी बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। रिंकी जी एक गाना सुनना, अगर जुगाड़ हो तो थोड़ा बढ़ा लेना। माता जानकी पुष्पवाटिका में पहुंची, और जब पुष्पवाटिका में पहुंची तो भगवान राम और माता जानकी के नयन मिल गए। जब मिल गए माता जानकी के और माता भगवान राम के, तो महात्मा तुलसी ने लिखा है, अर गई भवन और गई भवानी, भवन बहोरी बल्दी चरण बोली कर जोरी, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, और जगत जनन दामिल गाता, मोर मनोरथ जानो नीके। माता जानकी माता गौरी के दरबार पहुंच गई और कहने लगी, मां मेरे मन की बात भी जानो,
मन की, मन की अब देख लेना मन की, मेरे मन की बात भी जानो और जानो सबके मन की। और मन मंदिर में मैंने बिठा ली सूरत उन साजन की। माता जानकी ने कहा, माता मैंने अपना दिल किसी को दे दिया है, तो कहने लगी क्या कि दिल को दिल से, अगर अच्छा लगे तो बताना। माता जानकी ने कहा, मां अरे दिल को दिल से मिला तो महारानी, वो मेरे दिल के राजा और मैं उनके दिल की रानी। ये गाना जब समझ में आ जाए तब जवाब लिखना। क्यों संजय भाई कहां चले गए? कह दिया कि दिल को दिल से, ए दिल को दिल से देना, अरे दिल को दिल से मिला तो माता रानी, वो मेरे दिल के राजा मैं उनके दिल की रानी हो। ये हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री राम गोपाल मास्टर साहब, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक लाइन सुनना रिंकी जी। माता जानकी ने कहा, मां हे दिल की आवाज, हे दिल की आवाज और सुनो माता रानी, दिल की आवाज सुनो माता रानी, वो मेरे दिल के राजा और मैं उनके दिल की रानी हो। पहली बात देखेगा कोई फिल्म नहीं लगी है इसमें, गाने में मजा आएगा। क्यों एक दिल एक मंदिर, ये दिल क्या है, मंदिर है भाई साहब। एक दिल एक मंदिर और मंदिर में मां बैठा है वो दिलवा, हर आदमी के दिल में भगवान का वास होता है। आप किसको पूछते हैं? मैं रविदास भगवान को पूछता हूँ। आप किसको पूछते हैं? मैं शंकर भगवान को पूछता हूँ। हमारे हृदय में देवता का वास है। तो माता जानकी कह रही है क्या, एक दिल एक मंदिर, मंदिर में दिलवर को दिल दे बैठी, नाम है जिनका रघुबर। भैया ठीक है, उनका दोष नहीं है। अरे ठीक है भैया, कुछ ना कहो बेटा, चलो ठीक है। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं और किसी को घर से नहीं निकाला जा सकता है। अरे कच्ची का हो गया, कच्ची में है वही तो कच्ची, थोड़ी मोंग कच्ची दे दो, मोंग कच्ची आ जाए।
अरे दिल उस दिलबर को ये दिल दे बैठी, नाम है जिनका रघुबर, तो दिल में जागी है, ए दिल में जागी है ये प्रीति पुरानी। अरे दिल में जागी है प्रीति पुरानी, वो मेरे दिल के राजा, मैं उनके दिल की रानी हूँ। माता जानकी ने कहा, माँ आपसे मेरा एक और कहना है। माता गौरी के दरबार पहुंची माता और कहने लगी, माँ एक दिल से मैया और तुम्हें मनाओ, सामने बैठे हैं आप, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये बंदिश जरूर है लेकिन बात मजबूत लाऊंगा साहित्यिक, क्यों ये जवाबी कीर्तन साहित्यिक मंच है, इसलिए बात कर रहा हूं, कह रहा हूं। माता जानकी ने कहा, मां अरे दिल से मैया और तुम्हें मनाओ, और तो भवानी दरिया दिल हो, दिल से दिल को जोड़ो, क्यों और आखिर आपकी हो, आखिर आपकी हो और मैं बिटिया रानी, आखिर आपकी हूँ मैं बिटिया रानी, वो मेरे दिल के राजा, मैं उनके दिल की रानी। माता जानकी आप संत रविदास के मंदिर में जाके बैठ जाइए, अमन अगर आपका सच्चा है तो मैं गारंटी लेके कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर आपको दर्शन मिल जाएंगे। माता जानकी बार बार विनती कर रही माता से, तो माता गौरी को प्रकट होना पड़ा और कहने लगी, बेटी सीता और दिल की बातें सुनी मैया ने, बोली है सच्चे दिल से कि पदम न तेरा दिल टूटेगा, जा बेटी जानकी, अरे पदम न तेरा दिल टूटेगा, अरे दिल को मिला तू दिल से, जानकी ए बने दशरथ की बिटिया मेरी, अरे बने दशरथ की और तू बहू रानी, अरे बने दशरथ की तू बहू रानी, वो तेरे दिल का राजा और तू
अपनी तरफ से एक गीत था। इसका आदरणीय प्रभिया केवल प्रयास है, आपकी कटपीस बहुत अच्छी आई है और ये बहुमूल्य आशीर्वाद वहां से आया है जिसको मैं स्वयं में आशीर्वाद देती हूँ। हमारी भतीजी है जो कि आप केएस म्यूजिक एसडी वीडियो देख रहे हैं। ये कार्यक्रम आप यूट्यूब के माध्यम से जब इच्छा हो आप देख सकते हैं। बाबा इस मंदिर का नाम डालें या मेरा नाम डालें या चंचल जी का नाम डालें, आपको ये कार्यक्रम जब इच्छा हो आप स्वयं को देखना चाहें, हम दोनों कलाकारों को सुनना चाहें कि वो कार्यक्रम कैसे हुआ था, तो आप यूट्यूब पे सर्च मार के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस चैनल की जो मेन प्रोपराइटर है, जो करता धरता है, हमारी भतीजी कशिश सिंह राठौर, उस बच्चे की ओर से ये 101 रुपए हैं। मैं अपनी ओर से उस बच्चे को केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ क्योंकि नाम मेरा हो रहा है तो नाम उसका भी हो रहा है और धन मुझे मिल रहा है तो उसे भी मिल रहा है। बस यही कहूंगी, ईश्वर अपना वरद रस उस बच्चे के सिर पर बनाए रखे, बस यही कामना है। हाँ भैया दद्दा बताए, राजा पेंटर भैया थाने के पीछे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद है, आपकी ओर से 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब गीत सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, फरमाइश आपकी पूरी करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। सुबह सुनाया जाएगा नहीं चले जाओगे तुम सुन के। तुम यार फिर बोले। भैया भैया थोड़ी शांति बनाए रखे आप लोग। जी जी जी, बहुत अच्छी आई है और लालमन भैया ने भी बहुत सुंदर तरीके से गाया है। आइए मैं भी प्रयास करती हूँ कि शायद बन जाए, पहले तर्ज उसके बाद मर्ज। और का और ये जो कटपीस का जवाब मैंने दिया है, इस जवाब पर खुश होकर इस कमेटी की ओर से 51 रुपए आए हैं। कमेटी बहुत समझदार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हारमोनियम का माइक खोल दीजिए अगर मन कर रहा हो तो। सामने मिलन हुआ, केवल नजरें मिली हैं पुष्प वाटिका में, तो
माता जानकी माता गौरी पूजन के लिए गई तो उनसे प्रार्थना की है कि वो मेरे दिल के राजा और मैं उनकी दिल की रानी। ये बात बहुत अच्छी बात लाए हैं। बहुत सुंदर आपका गीत है लालमन भैया। अब देखिए धनुष टूट गया, विवाह हो गया। जी बताए, नाम बताते जाइए। राजा पेंटर भैया थाने के पीछे आपकी ओर से 21 रुपए आए हैं। बैठो, पाप कान खाओ। राजा राम भैया माधोपुर निवासी, आपकी ओर से 100 रुपए का बहुमूल पुरस्कार है। भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अब देखिए विवाह हो गया, लेकिन सब लोग कहते हैं जब कोई कार्य सर्व सिद्ध योग में होता है तो वो शुभ होता है। इनका तो सारा कार्य सिद्ध योग में हुआ, गुरुओं के आदेश हुआ, लेकिन फिर भी बिछोह हो गया। आखिर क्यों हुआ? अब बिछोह भी हो गया, पता लगाने बाबा बजरंगबली पहुंचते हैं। और जिस समय अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे शोक में माता जानकी बैठी है। ये बात गंभीर भैया, अशोक के नीचे शोक में बैठी हैं। बाबा बजरंगबली ने देखा, आप सब लोग प्रसंग जानते हैं, मुद्रिका डाली, बाबा बजरंगबली सामने आए। और जब आए तो देखिए माता कह रही हैं। सही है, गाने को ऐसे ही समझाना चाहिए, सबकी समझ में आवे। अब देखिए कहती क्या है, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। माता ने बाबा बजरंग बली से कहा है, और क्या कहा है सुनेगा कि मास दिवस मोही नाथ ना हुआ है। तो माता कह रही हैं बजरंगबली से, अब कहने लगी क्या, सुनिए बजरंग बली से मैया कह रही हैं, कहे नाचा करे अरे तुम रघुवर से क्या है अरे प्रीत पराई। कुछ फिल्मों के नाम आपने लगाए हैं तो उसको भी आप अंडरलाइन करिएगा। अरे दिलबर मेरे, दिलबर प्रीत पराई, कुछ फिल्में हैं। अरे दिल भर मेरे भूल गए क्या, अरे मैं क्या हो गई पराई, क्यों मन से मन किए अरे कैसी कहानी। मन से मन किए अरे कैसी कहानी। और है अनुमान
क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं प्रभु का पिछो करा सकूं, लेकिन ये सारी लीलाएं हो रही हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। मन से मन की ये कैसी कहानी, मन से मन साजन सजीनी की अजब कहानी, वो मेरे दिल के राजा, मैं उनके दिल की रानी।